नमस्कार, आज ओट्स पकौड़ा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम हेल्दी पकौड़ा बनाते हैं। ओट्स पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बंच मैंने पालक ली है यहाँ पे, एक कटोरी ओट्स। ये सादा ओट्स हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, मसाला ओट्स ले सकते हैं या पेपी आजकल आ रहे हैं, टमाटो ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर इसमें हो वो आप ले सकते हैं। और एक प्याज बारीक बारीक मैंने काट लिया है, नमक टेस्ट के हिसाब से या लगभग आधा चम्मच, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, हरी मिर्च भी ले सकते हैं बारीक बारीक काट के, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और ये चाट मसाला है लगभग एक चम्मच, और इसके अलावा एक कटोरी बेसन मैंने यहाँ पे लिया है, और तेल लिया है मैंने। डीप फ्राई करेंगे तो तेल चाहिए, उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। तो सबसे पहले पालक को साफ करेंगे इस तरीके से, इसके पत्ते और डंडी अलग कर लेंगे। इस तरीके से इकट्ठा करते जाएंगे हाथ में, पत्ते पत्ते अलग कर लेंगे। और इनको अब एक बॉल में काटते जाएंगे, बॉल थोड़ा बड़ा लें क्योंकि हमें इसको धोना भी है, तो इसके अंदर ही हम पानी डाल के इसको धोएंगे और इसको बारीक बारीक हम काट लेंगे इस तरीके से। ये लीजिए पालक मैंने काट ली है बारीक बारीक, और अब इसके अंदर डाल देंगे पानी, साफ पानी एकदम इसके अंदर हम डाल देंगे, और इतना कि पत्ते आराम से डूब जाएं। इस तरीके से हाथ से थोड़ा इनको अंदर डुबो दें और इसको छोड़ देंगे हम कम से कम 10 मिनट तक, और तब तक हम अपना घोल तैयार करेंगे। चलिए घोल तैयार करते हैं। सबसे पहले डालेंगे ओट्स इसके अंदर, एक बॉल के अंदर, और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, नमक, और इसमें डाल देंगे अब पानी, थोड़ा सा पहले मिक्स कर दें इसको, और लगभग एक कप पानी इसके अंदर अच्छे से डाल दें और इसको मिक्स करें। थोड़ा सा और हम सोख होने देंगे, बस 2 मिनट तक, बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं चाहिए होता है, सिर्फ 2 मिनट हम इसको सोख करेंगे। और अब डाल देंगे इसके अंदर पालक सीधा, पालक को पहले अच्छे से झाड़ लें, पानी इसका निकाल लें। ये लीजिए अच्छे से इसको हमने बाइंड कर लिया है, ये देखिए इस तरीके का गाढ़ा घोल हमें चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, और अगर आपको पतला लगे तो इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत महसूस हो, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो थोड़ा बहुत पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने पानी ऐड नहीं किया है, गाढ़ा घोल हमें चाहिए एकदम से इस तरीके का, डो जैसे हमें चाहिए। और अब इसको छोड़ देंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक रेस्ट देंगे, और शुरू करेंगे अब गैस ऑन करेंगे ताकि तेल हमारा गर्म हो जाए, और तेल को फुल आंच के ऊपर गर्म करना है। चलिए तेल हमारा गर्म हो गया है, शुरू करते हैं। एक कटोरी में या बाउल में थोड़ा पानी ले लें, साफ पानी, और अपने हाथ गीले करें थोड़ा सा इस तरीके से, और थोड़ा सा हम ये डो जैसा जो हमने बनाया है इसको लेंगे और इस तरीके से दबा दबा के गोल करें, ये छोटे लड्डू के जैसे, बहुत ज़्यादा बड़े ना बनाएं, और सीधा छोड़ते जाएं तेल के अंदर। दोबारा से हाथ गीले करें और फिर से बैटर लें और इस तरीके से दबा दबा के इस तरीके से छोड़ते जाएंगे। और सारी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे, और डालने के बाद में इनको कच्चा नहीं छेड़ना है, ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे जैसे ही पकेंगे, उसके बाद में इनको छेड़ें। और उसके साथ साथ जहाँ पे पकौड़ा नहीं है वहाँ से गरम तेल इनके ऊपर इस तरीके से डालते रहें, इनको टच ना करें वरना टूट जाएंगे इस तरीके से। और इनको मैं निकालूंगी हाफ फ्राई, यानी कि थोड़ा सा कच्चा, इनको 2 बार में पकाना है हमें, क्योंकि ओट्स हमने इसके अंदर डाले हैं तो कच्चे ना रहे हैं, इसके लिए 2 बार में इनको फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से झाड़ के किसी भी अखबार पे या टिश्यू पेपर में इनको निकाल लेंगे।
और अब तेल को गर्म होने दें, दो मिनट तक अच्छा उबलने दें इसको फुल आंच करके। और जब तक तेल हो रहा है हमारा गर्म, तब तक एक कटोरी ले लें या बड़ी करछी ले लें। अगर करछी ले रहे हैं तो उसके बैक साइड से और कटोरी के भी बैक साइड से इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर दें और सीधा तेल के अंदर छोड़ते जाएंगे। इस तरीके से सारे तैयार कर लेंगे ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। किसी भी प्लेट के ऊपर रख के और इनको फ्लैट करेंगे और एकदम करारे इनको बनाएंगे। और इस स्टेज पे आप सारे डाल सकते हैं जितने हमने बनाए हैं, क्योंकि आपस में चिपकने का डर नहीं है। तो एक एक करके इस तरीके से प्रेस करते जाएं और इसके अंदर डालते जाएं। हल्के हाथ से प्रेस करें, ज़्यादा तोड़ना नहीं है। और इस तरीके से ही हम इसको घुमा घुमा के अच्छे से एकदम लाल कर लेंगे। आपके ऊपर है कि बहुत ज़्यादा लाल आप खाना चाहते हैं एकदम, तो गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं या हल्के से कच्चे निकाल सकते हैं। ये देखिए अच्छे से क्रिस्प ये हो चुके हैं, निकाल लेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहे हो तो थोड़े थोड़े करके डाल लें। इस तरीके से निकालते जाएंगे झाड़ झाड़ के तेल इनका। और मैंने यहाँ पे प्याज डाले हैं, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो छोटे छोटे आलू आप डाल सकते हैं इसमें काट के, बारीक बारीक जैसे प्याज काटे थे वैसे ही आप आलू काट के डाल सकते हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म ओट्स पकौड़ा हमारा तैयार है। इसको किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ खाएं, लेकिन गर्म ही खाएं तो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप चाहें तो ऊपर से चाट मसाला डाल सकते हैं या कोई भी तिल, सफ़ेद तिल या काले तिल आप इसके ऊपर डाल सकते हैं इस तरीके से। तो इंजॉय करें ओट्स पकौड़ा।